चलिए एक और निमसेट के टॉपर से मिलते हैं, रिजवी से, जिनकी ऑल इंडिया रैंक 288 है और ये इंदौर से हैं और इन्होंने ड्रॉप ईयर के साथ ये रैंक अचीव किए। तो सबसे पहले बेटा आपको 288 रैंक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। तो बेटा मैं चाहूंगा कि जो आपकी इंटायर, आपने हमेशा इंटरव्यू देखे होंगे, जब बच्चे इस इंटरव्यू देखते हैं अपने सीनियर्स के, तो वो हमेशा सोचते हैं कि हम भी सर के साथ इंटरव्यू देंगे, तो आज वो दिन आ गया है। तो आपकी जो इंटायर सक्सेस जर्नी है, सबसे पहले तो आपने निमसेट के लिए कब सोचा, फिर निमसेट के लिए आपने प्रिपरेशन कैसे की, जब ड्रॉप के लिए सोचा तो ड्रॉप के लिए अपना मन कैसे आपने प्रिपेयर किया, तो होल आपकी सक्सेस जर्नी क्या है? सर मैंने मेरी ग्रेजुएशन इंदौर से ही करी है, तो थर्ड ईयर में मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे निमसेट के लिए अटेम्प्ट देना है। 2023 का अटेम्प्ट मैंने दिया था, तो उस टाइम मेरी रैंक समवॉट अराउंड 1100 था, तो ओके। मुझे ये पता था कि कुछ तो मिलेगा नहीं, NIT तो नहीं मिलेगा और प्राइवेट में जाने का मन नहीं था। तो फिर घर वालों से बात करी, फैमिली से बात करी, आपसे बात हुई, तो यही था कि ड्रॉप के लिए डिसाइड करते हैं। तो मुझे बस इतना ही था कि एक रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि बाद में ट्राई नहीं करा, तो ड्रॉप के लिए इसलिए मन बनाया और फिर से आपके साथ प्रिपरेशन चालू करी ऑनलाइन। इस बार सर मैंने, जैसे मुझे एग्जाम फियर काफ़ी ज़्यादा है, तो इस बार मैंने यही ट्राई करा कि मैं मैक्सिमम मॉक्स दे सकूं। मैंने मॉक टेस्ट एक भी नहीं छोड़ा है, ओके। स्पीड टेस्ट, रिविजन टेस्ट, सारे मॉक टेस्ट दिए हैं, प्लस उनका एनालिसिस प्रॉपर तरह से ही करा है, तो वो काफी फायदे में रहा इस बार। तो देखिए रिद्वी, अभी आपने जैसे बताया आपको एग्जाम फेयर है, कई बार होता है मन में, पर अब आपने एक रैंक अचीव कर ली, ठीक है। इस फेयर के बाद भी आप रैंक लाए, जो मैं कहता हूँ ना, आपकी जो प्रॉब्लम है उसके साथ आपको करना है। आपको स्ट्रेस हो रहा है तो भी आपको टॉप करना है, आपको डिप्रेशन है तो भी करना है, जैसे आपको एग्जाम फेयर है तो भी करना है। तो अब आपने एक रैंक अचीव कर ली, और जब हम लाइफ में कुछ भी अचीव कर लेते हैं, तो मेरे सालों का एक्सपीरियंस है, फिर उसके बाद हमारे अंदर का वो डर खत्म हो जाता है कि जब हम उस कंडीशन में कर सकते थे तो आगे तो इजीली कर ही लेंगे। तो अब मुझे नहीं लगता कि आपको आगे जाके कभी लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। और अब एक चीज याद रखना कि आप डर से आगे निकल गए, है ना। अब डर को भी डराना है आपको, ये क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए कि अब कोई चीज ऐसी नहीं है जो मुझे कभी पीछे कर सके, क्योंकि ये थोड़ा सा फेयर होने की वजह से ही ये रैंक भी जो है ना आपकी 288 पे पहुंच गई, नहीं तो ये 2 डिजिट रैंक भी हो सकती थी। सर हो सकती थी, मेरे मैथ में 4-5 क्वेश्चंस ऐसे रॉन्ग है जो मेरे आज तक कभी मॉक में रॉन्ग हुए ही नहीं है। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप तक मैंने गलत निकाला एग्जाम वो में। इसलिए कि थोड़ा हमारे अंदर डर होता है, वो कहीं ना कहीं वो एक चीज काम दिक्कत दे देती, फिर भी मैंने वही वर्ड बोला कि उसके बाद भी आपने रैंक दी है। हम कई बार वो छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं, तो अब लाइफ में आपको आगे किस थॉट के साथ सोचना है ये ध्यान रखना है। जब भी कोई थॉट आया ना, ये याद रखना कि मैंने निमसेट में जब टॉप किया था और उस कंडीशन में किया था, तो फिर अब मैं कभी भी कुछ भी कर सकती हूँ। जी तो ये बताओ आप, क्योंकि आपको थोड़ा डर था, फिर एग्जामिनेशन हॉल की अपनी सिचुएशन बताओ कि किस तरह से आपने अपने पेपर के प्रेशर को हैंडल किया। सर, मैं तो ऑनेस्टली बोलूँ, मैं आंखें बंद करके बैठ गई थी। मैंने आसपास अपने कंपेटिटर्स को देखा ही नहीं था, ओके। तो एक वो भी हेल्प करता है, प्लस प्रिपरेशन के टाइम पर मैंने लाइब्रेरी जाकर भी 3-4 मॉक टेस्ट दिए हैं कि एक थोड़ा एनवायरनमेंट चेंज मिलेगा, तो उससे पता लगता है कि आप डर रहे हो कि नहीं डर रहे हो। प्लस मॉक टेस्ट में इतने वेरिएशंस थे, इतना सब कुछ देख लिया था कि कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स तो नहीं था निमसेट के उसमें भी, तो मैनेज हो गया था थोड़ा बहुत। और उस टाइम जब डरी थी, तो फिर 5 मिनट थोड़ा ब्रेक लेकर कि ठीक है 2 क्वेश्चंस जा रहे हैं कोई बात नहीं, बट बाकी का संभाल लें। सही बात। तो तीनों सेक्शन को जब आपके एक एक सेक्शन आते गए, तो आई थिंक कि आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होता गया होगा, क्योंकि करते जा रहे थे, तो वो भी एक्सपीरियंस शेयर करो आप। सर मैथ्स में पहले के कुछ क्वेश्चंस, जैसे 2-3 क्वेश्चंस देख के लग रहा था कि पेपर का फील अलग है, बट थोड़ा आगे बढ़ी तो फिर ये था कि नहीं, क्वेश्चंस देखे हुए हैं। LR में सर मेरा पजल्स में काफी अच्छा कमांड रहा है शुरुआत से, तो मैंने उन्हीं को टारगेट करा था। प्लस इजी जो सिंगल लेवल के क्वेश्चंस थे वो भी बनते जा रहे थे, ऐसा अटकने वाला तो कहीं पर नहीं था। कंप्यूटर में क्वेश्चंस जो थे, वो जो हमारी कंप्यूटर क्लासेस होती उसमें से ही मैक्सिमम क्वेश्चंस थे, तो मेरे अटेम्प्ट 14 हो गए थे। एंड तक आते आते इतना पता लग गया था कि हाँ हो जाएगा, बट फिर वो एक्यूरेसी की बात आ गई थी कि अब देखते हैं कितना बनेगा। बिल्कुल सही। और देखिए सब कुछ हुआ भी, तो अब आप मुझे बताओ आप अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे, स्पेशली वो जूनियर्स को, एक तो आप गर्ल्स हैं, जिनको कई बार स्ट्रेस होता है, पेपर फेयर होता है, क्योंकि आपने उसको फेस कर लिया, कहते हैं ना डर के आगे जीता है, वो आप उससे आगे निकल गए, तो आपका उनके लिए क्या मैसेज होगा? सर कॉन्फिडेंस, मैंने बहुत 2 साल बहुत ज़्यादा डील करा है इसके साथ, तो भले आप कम पढ़ें लेकिन कॉन्फिडेंस रखिए कि आपने जितना पढ़ा है हो जाएगा।
और कंसिस्टेंटली मेहनत करते जाइए, एनालिसिस करते जाइए, तो हो जाएगा एंड में। चलो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब हम फिर से इंटरव्यू, अभी हम अवार्ड सेरेमनी में फिर मिलेंगे आपके पेरेंट्स के साथ, तो आपको एक बार फिर से ढेर सारी बधाइयाँ। वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक थैंक यू सर। यू।